लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो आम आदमी जो होता है, आम इंसान जो होता है, इससे कुछ हटके हमें बनना पड़ता है। और वो बनने के लिए कुछ हमें कुछ चाहिए। मेरी नज़र से मैं जानता हूँ कि इसमें फिटनेस होनी चाहिए, इसमें फिट फिट है तो हिट है। जब फिट ही नहीं है तो आप हिट कैसे हो सकते हैं? और फिटनेस की जो परिभाषा है, वो पैरामीटर्स जो है कुछ अलग है। मैंने मेरे लाइफ में जो मैंने कुछ पाया मेरे अनुभव से, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यू शुड बी फिट फिजिकली, यानी नॉट ओनली फिजिकल फिट, बट यू शुड बी मेंटली फिट ऑल्सो। मेंटल फिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई काउंट देम इन फाइव पैरामीटर्स, यू नो, फिटनेस इन फाइव पैरामीटर्स। वन इज फिजिकल फिटनेस, सेकंड इज मेंटल फिटनेस, देन थर्ड इज इंटेलेक्चुअल फिटनेस, fourth is emotional fitness, and the fifth one is spiritual fitness. If you are not fit in all these five parameters, you will never achieve anything in life. You may be Mr. India by doing very good physical fitness, or maybe Mr. Einstein, okay, by having, you know, very good mental power or intellectual power, okay, but if you are not emotionally stable, you can't utilize those qualities, okay? You need to be very, very balanced person. So my advice to anybody whosoever may concern, okay, whether it's aviation, airline or otherwise, okay, if you want to be a very successful person, you should be fit in all five parameters.